हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समूह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समूह किलर्स को। दोस्तों, कल है दिवाली और आज शाम हो गया है, तो अभी हम आए हैं गोंडा में और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पीछे देखो, ये है पूरा मार्केट चौक और चौक के अंदर अभी जस्ट हम हैं और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। वैसे गाँव में तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है इन सभी चीज़ों का, मनाते हैं बहुत धूमधाम से लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। लेकिन हमको पता था भैया कि ये गोंडा है और गोंडा में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए हम गोंडा में आए हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ की दिवाली की तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की त्यौहार कैसी मनाई गई। सैयद जी, बताइए कि आज दिवाली है, मतलब कल दिवाली है, यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है? बहुत बेहतरीन जी। अच्छा, यहाँ पर दिवाली कैसे मनाया जाता है? सब मिलजुल कर बनाते हैं, तब दिवाली है, हर त्यौहार मिलजुल कर होता है यहाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से बहुत बेहतरीन प्रेम से मना। बिल्कुल, अब आप देख लीजिए यहाँ पे। और आप ये क्या बजते हैं? ये अपने मोमबत्ती लगाई हुई है, बगल में लैया चूड़ा लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होगी भाई? यही चौक में जी। और क्या, यानी पूरा चौक दिखाएं? पूरा चौक देखिए, पूरा हर तरफ देखिए, दुकानें लगी हुई है, खरीदारी हो रही है आराम से, मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, कल ज़्यादा मनाएंगे जी? कल दिवाली जी, कल बड़ी दिवाली। वैसे तो दोस्तों दिवाली तो कल है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और आज से ही लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है। पीछे दिखाइए कितनी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं। देखिए हर जगह चारों तरफ, आप जगह भी देखेंगे उधर आपको दुकानें दिख जाएंगी। तो इसलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो गोंडा में जो मार्केट है वो कैसा है। और दिवाली के दिन तो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इधर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुकानें आप देखो दिख सकती है। इधर दिखाइए, चलो यहाँ पर आप देखिए भैया ये क्या बेच रहे हैं आप? ये टेडी बियर है। टेडी बियर कितने से है? 100 रुपए का, 50 रुपए का भी। 50 का कौन है ये? 50 का, ये 100 का। तो गाइज यहाँ पर आप देखते हैं भैया के पास है टेडी बियर। अगर आप ये गुड्डा लेना चाहते हैं तो भैया से कांटेक्ट करें। और भैया कौन सा जगह है ये? चौक बाजार है। चौक बाजार है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होगा भाई? ठठेरी चौक बाजार। ठठेरी चौक बाजार। ये बताइए कि यहाँ पर दिवाली कैसे मनाया जाता है? बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से, बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से होता है, बहुत शांति से। बस यही गली में रहते हैं हम, चौक में ही रहते हो। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं और यहाँ पर ये देखिए जुगजुगिया वगैरह सब कुछ मिल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी दुकान है। यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह भी मिल रहा है। भैया जी से चलिए बातचीत करने की ट्राई करते हैं। भैया जी, यहाँ की जो मूर्ति है कितने रुपये की है स्टार्ट? ये छोटी बड़ी दोनों चीज़ के बताए, मतलब कुछ दाम बताइए कौन कौन सी, कितने रुपए की? 150 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। 100 रुपए का कौन है? 100 रुपए का? 100 रुपए की ये कम से कम छोटी वाली मूर्ति हो जाती है। ये वाली 100 रुपए वाली, ये वाली लाइन है। और 150 रुपए वाली? 150 रुपए का ये ऊपर वाली लग जाती है। अच्छा, सबसे महंगी कहाँ है? सबसे महंगी मूर्ति सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। और ये बताइए जो दिए हैं कितने रुपए के? ये दिया 10 रुपए का है, वो 15 का। ये देखिए दोस्तों, ये है 10 रुपए का, बढ़िया सा आप ले सकते हैं। ये किसका है? मिट्टी का है? ये मिट्टी का है, ये कलकतिया है। ओ, कलकतिया। हाँ, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो गोंडा में ज़रूर आइए और यहाँ पर शॉपिंग कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पंडाल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये है मार्केट और ये है चौराहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। थोड़ा सा और आगे लेकर आइए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी शाम है और दीपावली कल है, यहाँ पर आज से ही इतना ज़्यादा भीड़ है। सोचिए कि दीपावली के दिन कितना ज़्यादा भीड़ होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, चलिए पंडाल दिखाते हैं, लेकर आइए। थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितनी ज़्यादा खूबसूरत पंडाल लगा हुआ है और लोग यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। इधर पूरा देखो, पूरा दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितनी अच्छी मार्केट लगी हुई है और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर प्रशासन भी है ताकि यहाँ पर भीड़ वगैरह ना लगे, जाम वगैरह ना लगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वगैरह आती जाती रहती है। और चलिए अभी हम आपको लेकर चलते हैं ठठेरी बाज़ार में, यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्केट है। और चलिए इधर आइए, लेकर चलिए, आइए, कट मत करना भैया। तो गाइस अभी हम चलते हैं ठठेरी बाज़ार में और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो दिवाली है कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम मनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बढ़िया दीपावली है बहुत ज़्यादा अच्छे से मन जाए। और पीछे आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा भी भीड़ होगा क्योंकि दीपावली जो है वो कल है और उससे पहले हम एक दिन पहले ही आए हैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम आ गए हैं ठठेरी बाज़ार में जो कि गोंडा का एक माना जाना बाज़ार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको भीड़ ही भीड़ देखेगा। यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं कि देखिए पूरा रोड ही एकदम जाम लगा हुआ है। ये देखिए जिधर भी आप देखेंगे उधर ही दुकान लगी हुई है। पीछे दिखाइए, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई है। इधर देखो भैया जी, इधर थोड़ा सही। मोमबत्ती कितने रुपए का होगा भाई? 15 रुपए की है, 20 रुपए की है, 25 रुपए की है, जैसा आप लेंगे वैसा रेट है। और क्या क्या आपके पास?
बाकी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, रंगोली कलर है, स्टीकर वगैरह है, रुईबत्ती वगैरह। अच्छा, रंगोली कितने रुपए? रंगोली आपको मिल जाएगी 60 रुपये, 70 रुपये है, 10 रुपये है, जैसा आप ले लीजिए। अच्छा, पटाखे हो गए यहाँ? नहीं, पटाखे वगैरह यहाँ नहीं मिलेंगे। पटाखे यहाँ नहीं मिलेंगे, मैदान या टॉमसन मैदान में मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा? इधर इधर यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बंदूक का है। ये देखिए, ये AK-47 तो नहीं भैया? AK-47 तो नहीं है ये? अच्छा, कितने कितने रुपए की है ये बंदूक की? ये तो गजब है यार, ये कितने की है? कितने के? 40 रुपये। 40 रुपये कहाँ की? काबुल की है। वाह, गजब यार बंदूक है। तो यहाँ पर आप भैया की दुकान पर देख सकते हैं, बहुत मतलब हर तरह का आपको बंदूक मिल जाएगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े बंदूक हैं भैया। इसकी प्राइस क्या होगी? ये 70 रुपये। 70 रुपये की। और क्या क्या आपके पास? हमारे पास ये बंदूक 6 नली है, 2 नली है, ये 6 फैरा है। अच्छा, ये देखो ये कितने का है? 6 फैरा मशीन है, ये 150 रुपये। देखिए 150 रुपये का। भैया नहीं नहीं रहने दो यार, खोलो मत। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं गाइस। लेकिन दिवाली आज नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और सोचिए कल यहाँ पर कितना भीड़ होगा, आज दिवाली नहीं है। और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसकी वजह से मॉल वगैरह आपको जहाँ पर भी आपको देखेंगे सब जगह ऑलरेडी बुकिंग है। मतलब यार इंटर करने का भी जो जगह नहीं रहता है। देखिए मार्केट में क्या हाल है। यहाँ पर आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी, शॉपिंग से लेकर कपड़े से लेकर आप ये दिवाली की भी हर चीज़ मिल जाएगी आपको। ये देखिए दुपट्टा वगैरह आपको मिल जाएगा, ये देखिए कुछ धार्मिक चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। और ये देखिए, ये है गाइस, इसको बोलते हैं नादा। यहाँ पर लैया गट्टा का भी सुविधा है। और चलिए बात करते हैं अंकल जी, ये कितने रुपए किलो है? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है। और ये सब? सब अच्छे चाहे जो लीजिए। सब 80 रुपये किलो है। और ये लैया चूरा है? लैया चूरा 40 रुपये पाव है। 40 रुपये पाव यानी कि किलो लेंगे तो 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। आपको लाइव देख दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपके गांव में अगर ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं तो भैया उनको दिखाइए वीडियो, और इतने का ही लीजिए, 40 रुपये पाव है। और ये कितने का? 80 रुपये किलो है ना भैया? भैया जी बताइए क्या क्या है आपके पास? चूरा, लैया, गट्टा, बतासा, रामदाना, सब कुछ है। तो ये बताइए भैया, यहाँ पर दिवाली कैसे मनाई जाएगी सर? बस ऐसे ही। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होता यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग मनाते हैं बढ़िया। सब बढ़िया से। इस बार क्या स्पेशल है? कुछ स्पेशल नहीं है भैया, सब जैसे हर साल। मतलब हर साल होता रहता है? नहीं, यहाँ पर ऐसे भीड़ लगातार रहती है ये हर साल। साल में एक ही बार दिवाली में ही भीड़ होती है अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इतना ज़्यादा भीड़ है, क्या बताएं। और ये जो रोड आप देख सकते हैं, पीछे देखो, पीछे देखो, ये जो आप रोड देख सकते हैं, ये जाता है एकता चौक है, जस्ट आगे ही एकता चौक है। और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस, जिधर भी आप निकलेंगे उधर आपको भीड़ मिल जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट जो चल रहा है हर कोई ले रहा है, चाहे वो दिवाली मनाता हो या ना मनाता हो, क्योंकि उनको डिस्काउंट तो चाहिए। चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस कि यहाँ पर जो दिवाली है वो कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। अब्दुल अजीज जी, ये बताइए कि कल दिवाली है, यहाँ पर कैसे तैयारी चल रही है? बहुत ठीक ठाक, बहुत अच्छे से चल रहा है हर चीज़, पूरा माहौल पूरी शांति है। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब लोग खुश मिजाजी से अपना कर आपस में मिलकर मिलजुल कर मनाते हैं। सब लोग मिलजुल करके मना रहे हैं आपस में, और ये आप लोग देख ही रहेंगे कैसा मना। हाँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है कभी किसी चीज़ में? हमारे यहाँ गोंडा में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी नहीं हुई है ना होगी। यानी कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे इन सभी चीज़ों पर? हम सब मिल करके, बकवास लगता है कभी किसी दूसरे धर्म के? हम सब मिल करके इस काम को करते हैं। अच्छा, तो ये आपकी ये जो सोच है बहुत अच्छा लगा हमको। और अंकल जी का ये दुकान है, ये कौन सा जगह है? ये चौक बता, एकता चौक। एकता चौक है। सिद्दीकी जी, ये बताइए कि कल हिंदू धर्म का त्यौहार है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग को साथ, सबका सम्मान, सब एक लोग साथ मिलकर मनाते हैं। आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है? कोई तकलीफ नहीं, खुशी होती है। अगर आपको नहीं मनाना है तो आप क्या बोलते हैं? नहीं मनाइए कि नहीं, लेकिन मुझे क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो दिक्कत कुछ नहीं, खुशी का त्यौहार है। अगर आपको मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है मत बताइए, ये आपके डिपेंड है कि नहीं, ये आपकी विचारधारा है। अगर आपको मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है तो मत मनाइए, है कि नहीं। लेकिन आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते? नहीं, नहीं, उसका अधिकार नहीं, ये किसी गलत है, सरासर किसी को भी हर धर्म में गलत है कि नहीं अंकल? बिल्कुल सही। इसी पैगाम को लेकर हम यहाँ पर आए हैं चौक बाजार में। हमको पता था कि यहाँ पर कुछ अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे लोगों को ही दिखाएंगे, कुछ घटिया लोग भी मिलते हैं जो उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, उनको मैं दिखाता ही नहीं हूँ। अगर मैं चाहता तो व्यूज़ पाने के लिए बहुत बेकार बेकार वर्ड को यूज़ करके लगा सकता था और मैं वायरल भी हो सकता था, लेकिन मुझे वो फेम नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। जो लोग प्यार मिलता है ना, वही हमको अच्छा लगता है, और यही जो प्यार है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग
बता दीजिएगा, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी है सर। मोहम्मद सईद अंसारी जी, ये बताइए कि कल दिवाली है, आप लोग कैसे मना रहे हैं? बहुत सुस्त दिवाली है बेटा, दिवाली में दिवाला लोगों का निकल गया। अब कोरोना ने तो मार खाया है बेटा, अब थोड़ा हम लोग उनसे हैं दोस्तों, अल्लाह ही भरोसा है, थोड़ा बहुत चल जाए। देखिए एक भी कस्टमर, दो चार कस्टमर बैठे हुए, दीपावली जैसे होनी चाहिए उस तरीके दीपावली है नहीं। की वजह से ये कोरोना की मार है, पैसे की किल्लत है बेटा, जेब में पैसे नहीं है। लेकिन तो, फिर भी भीड़ तो है ना? नहीं भीड़ तो इतना तो रहता ही है बेटा, ये लगन चल रहा है, मुस्लिम लगन चल रहा है, इसमें तो भीड़ रहती ही रहती है। ज़्यादातर आप देखिए मुस्लिम औरतें दिखाई देंगी आपको यहाँ पे दीपावली में, इसलिए मुस्लिम लगन चल रहा है। और ये ना आए तो बाजार में भीड़ ही नहीं होगा बेटा। एक मरतबा कैमरा वाले से देखा गया कि एक ज़्यादातर काली बुरखे दिखाई देंगी आपको, हाँ ज़्यादातर काली बुरखे दिखाई देंगे, कोई नहीं है उतना दिखाई देगा बेटा। अच्छा ये बताइए कि कल दिवाली है तो मुस्लिम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? हमें क्या दिक्कत है भाई, वो अपना त्यौहार मनाए, हम अपना त्यौहार रंग से मनाएंगे, क्या करना है? अरे हमें क्या पास लगता है किसी चीज़, ये सब हम लोग जो चौराहे पर रहते हैं बेटा, ये एकता चौराहा है, यहाँ तो सब लोग मिलकर, हाँ सब लोग मिलकर रहते हैं बाबू। गाइस जब भी मैं गोंडा में आता हूँ तो हमारे एक चाचा जी मिलते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित करते हैं, और चलिए आज बहुत मौका आ गया है कि मैं उनको दिखाऊं, और चाचा भी मान गए हैं कि हाँ चलो बना सकते हैं वीडियो। पहले इनका हम नाम पूछते हैं, तो बताइए अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? समीम अहमद। समीम जी ये बताइए कि आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं? बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा डेली देख रहे हैं? डेली देख रहे हैं। हर वीडियो देख रहे हैं? हर वीडियो देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो? हर वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई बेकार वीडियो नहीं। अच्छा कोई सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपका ऐसा वीडियो? अरे बहुत से ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है, नाम तो हम याद नहीं हमको। वो जो हथवा कारीगर मशीनिया खिलाओ भैया, पेड़वा काटे हथवा काटे, बहुत अच्छा लगा। तो ये वो वाली जो वीडियो है चाचा को बहुत अच्छा लगी, यही ना? अच्छा लगा। और ये पहले ऐसे शख्स मिले जो हर बार मेरी प्रशंसा करते हैं। एक वीडियो वो जो बकरी आपकी गुम हो जाती है, सीआईडी वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। अम्मा बहुत मरी है बकरी भैया हमारे हेर दो कोनो। तो जब भी मैं गोंडा आता हूँ तो ये अंकल जी मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी बातें करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा हो कि मेरी वीडियो से कोई आपको दिल ठेस पहुँचा हो? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई मतलब कुछ बुरा लग गया हो? कुछ नहीं, कोई वैसी कुछ नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं रहते वीडियो में कि जो बुरा लगे। अच्छा ये बताइए कि आज दिवाली है तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक है सेलिब्रेट। आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कि दूसरे का त्यौहार है हम क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। यही तो हमारे गोंडा की शान है, इतनी पहचान है। बहुत सारे जगहों पर तो पता नहीं क्या क्या होता है, दंगे वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे गोंडा में यहाँ पर सब लोग मुसलमान भी और हिंदू भी सब खरीदारी कर रहे हैं, सब खरीदारी कर रहे हैं, सब मिलके काम होता है, हमारे गोंडे में कभी दंगा नहीं होता। तो गाइस अभी हमने पूरा मार्केट घूम लिया है, और आपको उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा मार्केट दिखाया होगा। और अगर आप कहीं नई यूट्यूबर हैं, अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो ऐसे पब्लिक में निकली यार, फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो ऐसा बोलेंगे तो आप कभी मतलब बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जब भी बाहर निकलेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं और पब्लिक में कैसे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने और पब्लिक में भी लोग वीडियो बनाए बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ओके तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन देख रहा है कौन क्या कर रहा है, वो तो काम ही यार लोगों को देखना। तो अगर आप शर्माएंगे तो भैया आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर आप भी कभी भी वीडियो बनाएं तो इसे पब्लिक में ज़्यादा वीडियो बनाएं, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो पाए। और मैंने आपको दिखाया होगा कि ये दिवाली कैसा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरा भीड़ है गाइस, और यहाँ पर प्रशासन वगैरह भी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कल भी आऊँ यहाँ पर या फिर कहीं और जाऊँ और आपको अच्छे से जानकारी दूँ, अच्छे से चीज़ें दिखाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन, तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।